सब्जेक्टिव शीट नंबर 31 में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्जन कैसे करनी है। तो व्हील आपने किया होगा, इसमें व्हील का रेडियस गिवन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी गिवन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। तो बोलो क्या फॉर्मूला लगाया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी पुट करना, यहाँ पे आर पुट करना, ओमेगा की वैल्यू आएगी जिसके यूनिट रेडियस पर सेकेंड है। तो पहला क्वेश्चन तो आई होप ईजी है। क्वेश्चन नंबर टू, स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हमने किया था लास्ट टाइम, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, इफ इट मेक 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू बोलो क्या बनेगी, 14 डिवाइडेड बाई 25। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 सेकेंड की होती है, तो 25 सेकेंड में 14 रेवोल्यूशंस हैं, तो 1 सेकेंड के अंदर 14 डिवाइडेड बाय 25 रेवोल्यूशंस हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, RPS। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से क्या जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से पहला स्टेप है जिसके यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड है। तो ये ओमेगा आ गया आपके पास, ठीक। नेक्स्ट है, वॉट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला या तो वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ओमेगा वाला, क्योंकि ओमेगा गिवन है, वी नहीं गिवन, तो आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और आर आपको 0.80 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर लेना आर ओमेगा स्क्वायर में आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। और इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी एक्सेलरेशन की, टुवर्ड्स सेंटर, लिख देना टुवर्ड्स सेंटर होगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बस इसमें यही सिखाना था कि अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन हो तो एटलीस्ट आप रेवोल्यूशन पर सेकेंड करके अपनी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, और वो इतने रेडियस में घूम रहे हैं, आर आपको पता है, स्पीड पता है, वी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 900 मीटर्स पर सेकेंड के अंदर कन्वर्जन होगी। कह रहे कंपेयर इट्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लेना वी स्क्वायर बाय आर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है 10, तो इनकी रेशियो निकाल लेना, कंपेरिजन हो गया। कंपेरिजन का मतलब जस्ट रेशियो निकाल लो और इनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेशियो ही इनका कंपैरिजन है। तो हो जाएगा सॉल्व, यहाँ तक आंसर आ गया था यहाँ तक। इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, जी अलग है, सेंटीमीटर अलग है, दोनों एक्चुअल वेक्टर्स हम बनते हैं, हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेक्टर्स, क्योंकि जी नीचे लगेगा, एरोप्लेन में जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगी, 90 डिग्री पे रहता है। तो थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4th में स्टोन कितनों का हो गया, वैसे ये इसका आंसर शायद कुछ अलग आ रहा है, 12.4 आ रहा है, इसके करेक्शन कर लो, इसका आंसर 12.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इसके अंदर एक स्टोन है जिसका मास 13 केजी का स्टोन है, और इसको आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, जिसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 40 रेवोल्यूशंस, कभी भी फ्रीक्वेंसी पर मिनट यूज़ नहीं करना, पर सेकेंड यूज़ करना। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 2/3 RPS। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी RPS में होगी, ओमेगा आएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें टेंशन बतानी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में जो टेंशन होती है वही सेंट्रिपिटल है। तो या तो फॉर्मूला लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर एम आर ओमेगा का स्क्वायर, मास आपको पता है 13, रेडियस आपको पता है 1, फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली 2/3 का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ऐसे किया था T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर से हो गया, कोई डाउट इसमें।
आया था आंसर। और इसी का अगला पार्ट भी है, नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि पहला पार्ट तो खत्म हो गया, मैक्सिमम स्पीड बताओ, वी बताओ, जिससे कि ये स्टोन घूम सकता है। अगर ये रस्सी मैक्सिमम टेंशन जो टॉलरेट कर पाएगी वो 200 न्यूटन है, तो आप इसमें क्या करेंगे? पहला पार्ट में तो आपने टेंशन निकाल दी, दूसरे पार्ट में टेंशन की वैल्यू वो आपको दे रहा है और वी पूछ रहा है, आप क्या करें? सेकेंड पार्ट के अंदर आप ये लिखें कि टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम वो 200 न्यूटन चेंज करके दे रहा है और आपसे वी पूछ रहा है। टेंशन होती क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि अगर जब टी मैक्स होगा तो वी भी ऑटोमेटिकली मैक्स होगा, जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो वी भी मैक्स होगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? 200, मास कितना है? 1.3 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व करके वी मैक्स निकालना और मेरे ख्याल से आंसर 12.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास आना चाहिए, ऐसा आंसर आएगा। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन कैसे करना समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, आपकी एनसीईआरटी की किताब पहले ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करती है, आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब पहला काम हमारा असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने का है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ से शुरू करती है बेसिक से, ताकि लोग शायद इसलिए शुरू करते हैं ताकि लोगों को ओमेगा फ्रीक्वेंसी टेंशंस कैसे यूज़ करना है उसका आइडिया हो जाए। ठीक, इसलिए नहीं कि बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, इसलिए ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए और बेसिक्स पे हाथ बैठ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बेंड इन अ लेवल रोड है, हमने किया भी था, और जिसका रेडियस आपको गिवन है, तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी गिवन है, और हमने किया था मैक्सिमम वेलोसिटी एक कार लेवल रोड पे जब मूव करती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू टाइम्स आरजी का अंडर रूट। तो आपको इस क्वेश्चन में वी मैक्स निकालना है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल सकती है, तो आपको म्यू पता है, आर पता है और जी भी पता है, यहाँ से वी मैक्स आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन में, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी पता है, इसको प्लीज मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। एंगल ऑफ बैंकिंग पता है 45 डिग्री, रेडियस आपको निकालना है। जब भी एक साइक्लिस्ट बेंड हो टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, अगर एक गाड़ी बेंड हो बैंकिंग ऑफ ट्रैक हो जाए और फ्रिक्शन ना हो तो भी टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। कोई एरोप्लेन अगर मुड़ना हो तो एरोप्लेन टेढ़ा होकर मुड़ता है ऐसे, तो वो बैंक हो जाता है सड़क की तरह। तो जब बैंक होता है फॉर्मूला फिर इसमें यही अप्लाई करना होता है, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, वी पता है, आर पता है, जी पता है, यहाँ से निकाल लेना आपको, नहीं आर निकालना है, थीटा पता है रादर, तो रेडियस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अब सारे केस नहीं करने हैं, कोई भी चीज़ घूमते घूमते अगर बेंड हो जाती है, चाहे वो सड़क बेंड हो, साइक्लिस्ट बेंड हो, कोई भी बेंड हो, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी का फॉर्मूला लगेगा, प्रोवाइडेड म्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नहीं लेना, नहीं लेना, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। क्वेश्चन नंबर 7 कर्व रोड है, सेम क्वेश्चन है, टैन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, टैन थीटा अगेन वी स्क्वायर बाय आर जी। तो इसके अंदर भी कर्व रोड है और वो कह रहा है कि इसमें क्या निकालो, व्हाट इज बैंकिंग एंगल। वैसे तो देखो बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला हमने किया था थीटा, बैंकिंग ऑफ ट्रैक में वी का काफ़ी बड़ा फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो, बैंकिंग ऑफ ट्रैक में वी का बड़ा फॉर्मूला था, लेकिन अगर म्यू नहीं लेना तो आप चेक भी कर सकते हो वी का फॉर्मूला क्या लग जाता है, आर जी टैन थीटा का अंडर रूट। तो वी टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी या वी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा एक ही बात है। क्या इस स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? एक ही बात है टैन थीटा, वैसे एक बात बताऊँ, टैन थीटा म्यू भी होता है अगर आपको याद हो तो, म्यू आर जी टैन थीटा आर जी एक ही बात है, सारे फॉर्मूले तो एक ही रिजल्ट दे रहे हैं। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? मैं ऐसे बता रहा हूँ, एंड रिजल्ट देखने में एक जैसे लगते हैं, ये बता रहा हूँ, चाहे उसका सोर्स अलग अलग हो, पर एंड में टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी बहुत फॉर्मूला उसमें ट्राई हो जाता है। नेक्स्ट है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, बेंड इन अ लेवल रोड है, अगेन सेम है, कुछ नहीं करना है इसमें। ट्रेन है, एक ट्रेन राउंड एन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस गिवन,
ट्रेन किसी ट्रैक पे घूम रही है, अनबैंक्ड है, और स्पीड आपको पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मास आपको पता है, व्हाट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इंजन की रेल, देखो इंजन तो आगे फोर्स लगाता है, रेल्स प्रोवाइड करती हैं, रेल्स की फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब एक सड़क पे कार मुड़ रही होती है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रेल्स की वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। आउटर या इनर रेल, देखो वैसे तो दोनों करती हैं पर ज़्यादा कौन प्रोवाइड करती है, आउटर रेल्स, क्योंकि आउटर रेल्स ज़्यादा खींचती हैं, पहले दोनों करती हैं इसमें कोई शक नहीं है। और कौन सी रेल्स वियर आउट फास्ट होगी, इनर या आउटर, तो आंसर इज आउटर, आउटर खींच जाएगी। जहाँ ट्रेन घूमती हैं उन ट्रैक को भी ऊपर उठा दिया जाता है ताकि आउटर रेल्स ना खिंच पाए, वेयर एंड टेयर कम हो, बैंकिंग कर दी जाती है। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, अब क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन मिसिंग है तो टैन थीटा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर जी, वी पता है, आर पता है, जी पता है, तो सॉल्व करके कोई वैल्यू आएगी, तो आप एंगल थीटा इस टैन इनवर्स में छोड़ देना अगर एंगल नहीं मालूम, तो ये इसका आंसर है, मतलब फॉर्मूला ये लगेगा टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी करेंगे 2 मिनट में। करेक्शन करो, ये 14 सेंटीमीटर है, एक 4 है और एक 14 सेंटीमीटर है, 4 एंड 14 सेंटीमीटर है। और ये 11th क्वेश्चन रिपीट है, इसको नहीं करना। और अगला क्वेश्चन वर्टिकल सर्कल का है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। अब एक क्वाइन वाला क्वेश्चन रह गया, डिस्क डिस्क के ऊपर जो घूम रहे, इसको एक बार डिस्कस करते हैं इसके बाद।